Assalamualaikum everybody, welcome to the Young Guns. मैं हूँ आपकी होस्ट मीशा उस्मान. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर योर लवली फीडबैक थ्रू योर कमेंट्स एंड योर ईमेल्स. हम लोग इंशाल्लाह आपकी ईमेल्स भी बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे शो में. लेकिन आज का शो इज़ स्पेसिफिकली डिज़ाइन फॉर ऑल द मैन एंड द बॉयज़ आउट देयर. इफ यू लव योर कार्स एंड इफ यू वॉन्ट टू अपग्रेड दैम, यू नीड टू नो अबाउट द सोल्यूशन शॉप ऑफ अपग्रेडिंग कार्स, द परफॉर्मेंस पार्ट्स कॉल्ड द परफॉर्मेंस पार्ट्स. Let's talk to Jahzeb and learn more about it. Assalamu alaikum Jahzeb. Welcome, Sam. Welcome to our show. Thank you. First of all, please bataiye, what is Performance Parts? Performance Parts is a shop jahan pe aapko sare gaadi ke upgrade parts mil sakte hain. Any parts which are not locally available. Right. Us tarah ke parts on order import ho sakte hain. Anything which is different from the market, wo sare hum kar sakte hain. Wonderful. So, how did you start this business? And we started off as a hobby. स्टूडेंट्स के तौर पर शुरू किया था, लेकिन वी रियलाइज के वी डूइंग गुड इन दिस एंड वी शुड परस्यू दिस एज अ मेन बिजनेस. तो वो उस तरह फिर हम उस बिजनेस लाइन में आ गए. ठीक ठीक. सो इट्स वेरी अंडरस्टैंडेबल कि हर लड़के को बचपन से शौक होता है गाड़ियों का. ऑफ कोर्स. तो आपको भी था बचपन से शौक? बिल्कुल था. ठीक ठीक. सो दैट इज व्हाई यू वांटेड टू कम? बिल्कुल, ऑफ कोर्स. आई वाज ऑलवेज इनटू कार्स, गाड़ियों का बचपन से ही शौक था. फिर हम एज स्टूडेंट्स चीज़ें लेने जाते थे, हमें मिलती नहीं थी. तो दैट आइडिया केम इनटू माय माइंड कि अगर मैं एक चीज़ ढूंढ रहा हूँ, बिल्कुल मुझे नहीं मिल रही, तो मेरी तरह के और लोग भी होंगे. सही सही. सो व्हेन डिड यू स्टार्ट, लाइक राइट आफ्टर ए लेवल्स? आई स्टार्टेड राइट आफ्टर ए लेवल्स. यस, एसीसीए कर रहा था, उसके साथ साथ शुरू कर दिया, साइड हॉबी शुरू कर दिया. एंड इट्स बीन ऑलमोस्ट लाइक 7 इयर्स नाउ. वाओ, वंडरफुल, माशाल्लाह. सो वाज योर फैमिली सपोर्टिव? Yes, my mother was very supportive, my sister was supportive, but my father wasn't like very happy with it, but he was okay. ज़्यादातर अब्बुओं का दिल करता है कि लड़का जॉब करे. जॉब में हो, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही. सही सही. So, what would you say? How far you've come? I think I've come a lot way. ठीक है, क्योंकि we started off from spark plugs, and वो छोटी सी चीज़ होती है, वो करते करते अब इतनी vast वो field है. कि अब हर तरह की चीज, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, वेरी यूनिक पार्ट्स, वी आर गेटिंग ऑल ऑफ देम. ट्रू ट्रू. अच्छा, वंडरफुल. तो बहुत डिटेल भी पसंद होती है लड़कों को, गाड़ियों में हर चीज अवेलेबल हो. सो जैसे व्हाट वुड यू से द काइंड ऑफ क्लाइंटेल यू हैव? आई मोस्टली डील विद द निच मार्केट, द सॉर्ट ऑफ कस्टमर आई हैव मोस्ट ऑफ द टाइम. उनको पता होता है कि उन्होंने क्या लेना है, क्या स्पेसिफिकेशन है, कहाँ से मिल रही है, क्या उसका रिक्वायरमेंट. बिल्कुल बिल्कुल. तो आप मुझे ये बताएं कि कुछ लोग तो होते हैं, देयर बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून एंड दे कैन अफोर्ड ऑल दीस थिंग्स. बिल्कुल. बट कुछ रेगुलर कस्टमर्स भी आपके होते होंगे. बिल्कुल होते हैं. तो हाउ डू यू मैनेज देम? उन कस्टमर्स को वी ट्राई आवर बेस्ट के जितना हम लोग अपने एंड से कंपनसेट कर सकें करें, क्योंकि दे आर पीपल लाइक मी जो के हु आर इनटू कार्स, इनको गाड़ियों का शौक है. बिल्कुल बिल्कुल. सो आप किस तरह से उनको मैनेज करते हैं? मतलब अगर प्राइसेस आपकी बहुत हाई हैं, फॉर एग्जांपल कुछ इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स की, तो वो कहते होंगे ना यूजुअली कि वो हम बिल्कुल हमें कहते हैं कई दफ़ा कि प्राइसेस हाई हैं. हम उनको बताते हैं कि यार एक चीज़ बाहर से आती है, उस पर क्या कॉस्ट लगती है, किस तरह होती है, जितने की बाहर से मिलती है उतनी यहाँ पे तो नहीं मिल सकती, क्योंकि कस्टम्स लगती है, शिपिंग लगती है, देयर इज अ लॉट इन्वॉल्वड इन इट. ट्रू ट्रू. सो फिर ये होता है कि आप कुछ डिस्काउंट डील्स उनको दे देते हैं. डिस्काउंट डील्स देते हैं, टाइम्स अगर कॉस्ट टू कॉस्ट भी देनी पड़े, जस्ट टू प्लीज अ कस्टमर, वी डू डू इट. राइट राइट. सो आपने आज तक तो बहुत सारे फिर प्रोजेक्ट्स कर लिए होंगे, बहुत सारी डिफरेंट कार्स को किया होगा. सो व्हाट इज योर फेवरेट प्रोजेक्ट सो फार? माय फेवरेट प्रोजेक्ट सो फार इज माय वेरी ओन कार व्हिच इज अ होंडा प्रील्यूड. बेसिकली ये गाड़ी हमने एक फ्रेंड के लिए की थी, एंड आई बॉट द कार ऑफ हिम क्योंकि आई न्यू इट वाज सो नाइसली डन. राइट. आई हैड टू गेट इट. वाओ. सो आपने क्या किया, प्लीज टेल अस अबाउट. हमने उसमें बेसिकली इंजन अपग्रेड किया. इंजन के साथ साथ हमें पता था कि गाड़ी को स्टेबल रखने के लिए
हमें ब्रेक्स भी अपग्रेड करनी है, हमने सस्पेंशन भी अपग्रेड करनी है, वो भी हमने साथ की ताकि गाड़ी एट एनी स्पीड बिल्कुल स्टेबल रहे. राइट, क्योंकि सेफ्टी का भी फैक्टर फिर आपको देखना पड़ता है. ऑफ कोर्स सेफ्टी इज द मेन प्रायोरिटी. राइट राइट, सो पाकिस्तान में कितना मतलब कितना स्कोप है जो आप एनहांस कर लें अपनी गाड़ी को? स्कोप पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी है, लेकिन कुछ मतलब मोस्टली जो हमारे कस्टमर्स होते हैं दे आर फ्रॉम अ वेरी कॉमन फैमिली, तो बजटरी लिमिटेशंस वगैरह होते हैं, लेकिन देर आर पीपल जिनको शौक है और कोशिश करते हैं करने की. आपके पास बहुत सारे टीनएजर्स आते होंगे जो चाह रहे होंगे कि उनकी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाएं. बिल्कुल, तो वो यूजुअली क्या एस्पेक्ट्स होते हैं उनको, बेसिकली क्या चाहिए होता है उनको? बेसिकली थोड़ी स्पोर्टी लुक चाहिए होती है गाड़ी में, वो कहते हैं गाड़ी थोड़ी सी तेज़ होनी चाहिए, गाड़ी की आवाज़ स्पोर्ट्स कार की तरह होनी चाहिए, जो कि टीनएजर्स जो होते हैं उनको पता नहीं होता, लेकिन वो कहते हैं कि यार हमारी गाड़ी किस तरह में फीलिंग आनी चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल, वो साइकोलॉजिकल फैक्टर होते हैं आते हैं उसमें. ठीक ठीक, सो मुझे प्लीज़ बताएं कि जो आपकी अपनी गाड़ी है जी, उसमें आपने जो सारी चीज़ें बताई आपने ये उसमें जो अपग्रेड किए, तो डू यू यूज इट एज अ फैमिली कार? नहीं, इट इज़ माई वेरी ओन कार. फैमिली कार में बस डिफरेंट है, लेकिन ये गाड़ी स्पेसिफिकली इसलिए है कि मतलब मैंने बेसिकली इंजॉय करने के लिए रखी हुई है. ओके, स्पीकिंग ऑफ इंजॉयमेंट, हाउ डू यू इंजॉय इट इन लाहौर? एट टाइम्स मोस्टली तो होता है कि लेट नाइट निकलते हैं, मतलब एक दो गियर्स खींच लिए, इंजॉय कर लिया, कई दफ़ा उसको स्लो ड्राइव करके भी इंजॉय करते हैं. सही सही, गाड़ी की अपनी ड्राइव को इंजॉय करते हैं, फिर कई दफ़ा लोग जो हैं वो अप्रिशिएट करते हैं, तो उस चीज़ को हम लोग बहुत हमें अच्छा लगता है. अच्छा लगता होगा. सो यू थिंक कि पाकिस्तान में मतलब ऐसी कोई प्रॉपर जगह नहीं है जहाँ आप इस तरह से कार्स को ड्राइव कर सकें उसकी फुल मतलब? पाकिस्तान में प्रॉपर ट्रैक्स नहीं है बिल्कुल, ना सर्किट ट्रैक है ना ड्रैग रेसिंग ट्रैक है, होना चाहिए लेकिन अभी जो है फिलहाल तो ऐसा नहीं है. नहीं है, राइट. सो व्हाट इज द मैक्सिमम पावर आउटपुट यू हैव अचीव्ड सो फार एंड व्हिच कार वाज इट? द मैक्सिमम आउटपुट वी हैव अचीव्ड वाज अ टोयोटा सुप्रा व्हिच इज अराउंड 600 हॉर्स पावर. गुड, ओके. सो आप मुझे क्या बताएंगे जो आपके जो परफॉर्मेंस पार्ट्स होते हैं बेसिकली, कोई टॉप 5 मुझे आप बताएं जो कॉमनली यूज होते हैं या लोग जो कहते हैं कि यही तो होने चाहिए? एग्जॉस्ट है वो कॉमनली यूज होते हैं गाड़ी में, गेजेस कॉमनली लगते हैं, रिम्स कॉमनली लगते हैं, रेसिंग टायर्स कॉमनली लगते हैं. ठीक, और उसके अलावा कोल्ड एयर इंटेक किट्स होती हैं, वो बहुत कॉमनली यूज होती हैं. नाइस, तो इनकी रीसेल वैल्यू क्या होती है बेसिकली? रीसेल बेसिकली डिपेंड्स के किस गाड़ी का है, अगर तो यूनिवर्सल पार्ट है वो जल्दी रीसेल होता है, अगर एक बड़ी स्पेसिफिक सी गाड़ी का है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है हमेशा रीसेल होने में. ठीक है, तो आपके कोई क्लाइंट्स होते हैं जो आपके पास आए आफ्टर अ फ्यू इयर्स कि जी हम चाहते हैं कि ये मतलब सेल हो जाए या बिल्कुल चेंज कर दिया जाए या बिल्कुल इसको? बिल्कुल, कई दफ़ा हमारे पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो कि कहते हैं कि अब हम ये पार्ट्स उतारेंगे, हम इसकी जगह आप नए लगा के दें. अच्छा, सो देयर आर रेगुलर कस्टमर्स जो हु वांट रेगुलर अपग्रेड्स? यस ऑफ कोर्स. ठीक ठीक, सो मुझे बताएं व्हाट डू यू बिलीव अबाउट द अपग्रेडिंग ऑफ परफॉर्मेंस और एरोडायनामिक्स का कितना? एरोडायनामिक्स डज प्ले अ वेरी मेजर रोल इन एनी कार, चाहे वो स्टॉक गाड़ी हो चाहे वो ट्यून गाड़ी हो. इट वुड डिफाइन कि गाड़ी का क्वार्टर माइल टाइम कितना अच्छा है कितना बुरा है. इट वुड डिफाइन कि गाड़ी की ब्रेकिंग, गाड़ी की हैंडलिंग कितनी अच्छी है कितनी बुरी है. ठीक, सो आप लोग कितना मतलब व्हाट डू यू गाइस हैव टू डू व्हेन इट कम्स टू एरोडायनामिक्स? फॉर द एरोडायनामिक्स हमारे पास मोस्टली यहाँ पे हमारा जो क्लाइंटल आता है वो मोस्टली कहते हैं कि सिर्फ हमारी गाड़ी तेज होनी चाहिए. दे डोंट आस्क फॉर द कार टू बी मॉडिफाइड कॉस्मेटिकली, लेकिन उस गाड़ी के एरोडायनामिक्स बेहतर करने के लिए हम आफ्टर मार्केट सस्पेंशन इंस्टॉल करते हैं जो गाड़ी की ओरिजिनल हाइट से 2 से 3 इंच उसको नीचे करती है, जिससे सेंटर ऑफ ग्रेविटी गाड़ी के नीचे जाती है. सही सही, एंड इट हेल्प्स. सो डू यू थिंक पाकिस्तान में तो इतने ज़्यादा हमारे स्पीड ब्रेकर्स हैं और रोड्स की हालत इस तरह की है कि मतलब नहीं आप प्रॉपरली चला भी सकते, तो वो लो करने से कोई मतलब फर्क भी बहुत पड़ता होगा? लोग करने से बहुत सारे लोग नहीं भी करते, लेकिन जिस तरह के लोग जो होते हैं जो वाकई एंथुजियास्ट होते हैं शौकीन होते हैं वो करते हैं रिगार्डलेस के स्पीड बम्प्स हैं खड्डे हैं, तो उनको फिर प्रॉब्लम होती है, वो कहते हैं जी गाड़ी खराब हो रही है. बिल्कुल नहीं, वो उस तरह के बंदे उनको पता होता है कि हमने गाड़ी को कहाँ पे किस तरीके से चलाना है. सही सही, ट्रू ट्रू, दैट इज अ गुड फैक्टर. अच्छा, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट द ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ द कार? ब्रेकिंग कैपेसिटी फॉर एनी स्टॉक कार अगर आप अपग्रेड वगैरह करते हैं तो मेरे ख्याल में कोई भी प्रोजेक्ट करने से पहले कोई भी काम शुरू करने से पहले सेफ्टी शुड बी द फर्स्ट क्राइटेरिया, विच मींस कि आपकी ब्रेक्स हमेशा अच्छी होनी चाहिए. अगर आपकी ब्रेक्स अच्छी नहीं है
आप पहले अपनी ब्रेक्स अपग्रेड करें फिर कुछ और करें. राइट. तो लोग आप इस तरह की एडवाइस तो देते होंगे लोगों को. बिल्कुल देते हैं. तो लोग कितना कंसिडर करते हैं, कितना जो क्लाइंट हमारे पास थोड़े लिटरेट आते हैं हु नो कि उन्होंने क्या लेना है वो इस चीज को समझते हैं. बिल्कुल. लेकिन कुछ क्लाइंट्स होते हैं वो जो नहीं भी समझते, कहते हैं नहीं जिस तरह हम कह रहे हैं उसी तरह करो, तो फिर उनको उस तरह करना पड़ता. अच्छा, तो फिर आप मतलब किस तरह से करते हैं कि आपको पता है कि बहुत कोई स्टबर्न क्लाइंट आ गया है, सो डू यू लिसन टू हिम कम्प्लीटली या फिर आप नहीं वी ट्राई टू कन्वे देम द मैसेज कि जो हम बताना चाह रहे हैं, जो पॉइंट हम उनको बताना चाह रहे हैं, दिस इज़ फॉर योर ओन सेफ्टी. अगर तो हमें नज़र आ रहा हो कि इसको सेफ्टी के बगैर काम ठीक नहीं होता, हम रिफ्यूज कर देते हैं. अदरवाइज हम लोग हमें नज़र आ रहा है कि सेफ कैपेसिटी के अंदर तो देन वी लिसन टू द क्लाइंट. ग्रेट. मोर अबाउट इट राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक. नाज़िर में बैक फ्रॉम द ब्रेक और अब हम बात करेंगे अबाउट द कॉस्ट्स. लेट्स टॉक अबाउट द कंपैरेटिव कॉस्ट्स कि आपने अभी तक सबसे एक्सपेंसिव परफॉर्मेंस पार्ट्स का कौन सा प्रोजेक्ट किया है और सबसे चीप वाला कौन सा किया? सबसे एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट रिगार्डिंग टू पार्ट्स जिसके सबसे ज़्यादा पार्ट्स हमने आज तक मंगवाए हैं वुड बी अ सिविक FD2 जिसको अभी हमने बेसिकली उसमें K24 स्वाप करना है. इट इज़ वर्किंग प्रोग्रेस. लेकिन उस गाड़ी के सिर्फ पार्ट्स ही पार्ट्स जो हैं वो कम से कम 13 से 14 लाख रुपए के सिर्फ पार्ट्स हैं अभी. अच्छा, तक. एंड वी आर नॉट येट डन विद इट उसमें क्योंकि अभी कुछ चीज़ें हैं जो कि रहती हैं. फॉर स्मॉलर प्रोजेक्ट हमने कुछ प्रोजेक्ट्स इस तरह भी किए हैं जिसमें इवन 4 से 5 हज़ार रुपए के भी पार्ट्स आ जाते हैं कुछ गाड़ियों के. ठीक, जो सिर्फ एक से दो छोटी छोटी चीज़ें करवाना चाहें और करने को अगर हाई एंड पे जाते हैं तो जिस तरह से सिविक का मैंने आपको बताया है उसमें each and every single engine part, each and every body part, the rims, the tires, the engine, every single thing. Wow. तो सारा कुछ हम आहिस्ता आहिस्ता करके उसका मंगवाया and we're still going with it and we intend really to do more with it. Wow. So what is the probably जो highest amount of cost होके मतलब आप कितना कर सकते हैं एक कार को? It all depends on your budget. आप करने को बाहर जिस तरह अमेरिका में या यूके वगैरह में है वो एक नॉर्मल गाड़ी को लेके भी उस पर 2-2 लाख डॉलर तक स्पेंड कर देते हैं. एंड करने को मतलब यू कैन द स्काई इज द लिमिट, देयर इज नो लिमिट टू इट. जितना आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहें उतना होता बढ़ता जाता है. राइट. सो व्हाट डू यू हैव टू से के जो टॉप गियर जो प्रोग्राम था या जो फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी है व्हाट रोल डू बोथ ऑफ देम हैव टू प्ले इन upgrading or regarding the upgrading of the Fast and Furious was every boy's dream movie you can true, say true. har ladke ki favorite movie aur bahut sare bachon ko logon ko usne inspire kiya. There's somebody I know jo Fast and Furious ke first part mein Toyota Supra hi thi, us bande ne wahan se dekh ke paise karte kiye, us bande ne Supra li. Wow. Ki yaar ye gaadi isme movie mein thi, I want the car. Wow. So they have a very big impact. They do. So recently jo IT Fast and Furious, do you think uske baad se aapki business mein matlab hua, zyada profits hue, zyada log aaye? Recent jo Fast and Furious thi, ab jo originally Fast and Furious aayi thi, that was purely about racing and modification. True. Ab jo Fast and Furious aa rahi hai, they are more towards crime. It does make a difference but not very much. Yes. Okay. So coming back to the cars, do you think ke Pakistan mein koi racing track ya koi test track hone ki zarurat hai? Bilkul zarurat hai. Racing track ki bhi zarurat hai, test track ki bhi zarurat hai kyunki hamari kaum mein bahut potential hai. And there is no proper legal track jahan pe jo log modifications karte hain unko test kar sake, unko check kar sake kisi bhi tarike se. To it should be there. लाहौर में लड़के इकट्ठे होते हैं,
कभी रिंग रोड पे चले जाते हैं, कभी फेस पे, जो सड़कें बेसिकली खुली होती हैं और ट्रैफिक नहीं होती, एम्प्टी होती हैं, राइट, तो वहां पे अपने वो शॉप रात का टाइम होता है जब. ओके ओके. अच्छा, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इलेक्ट्रिक कार्स लाइक टेस्ला? इलेक्ट्रिक कार्स आर द फ्यूचर, नो डाउट, क्योंकि उसमें पोल्यूशन भी नहीं होती, साउंड पोल्यूशन भी नहीं होती, उसकी नॉइज पोल्यूशन नहीं होती, एंड दे आर वेरी कन्वीनियंट एंड द मेंटेनेंस इज लेस एज कंपेयर टू अ नॉर्मल कार. Right. Or what about the Mercedes SLS? Mercedes is a piece of art. Yes, no doubt. It is the top end. So SLS is the, you can say, the ultimate electric car. True that. So do you think Pakistan mein bhi ab aa jaye, or do you think we Pakistan mein semi electric hybrids jo hain wo to already aa chuki hain. Purely electric, for example, Tesla, SLS, all depends ke kisi bande ke paas itna budget ho and he truly wants an electric car. True, true. So, उसका electric cars जब आ जाती हैं तो फिर उनके performance parts और उससे do you have knowledge about that? Yes. When it comes to cars like Tesla or SLS, there is not much you can do क्योंकि सब कुछ electronic है. आप अगर एक चीज को छेड़ेंगे तो आपको डर होगा कि ये सारी electronic कुछ इसका खराब ना हो जाए. Normal cars में जो mechanical होती हैं उसमें आपको पता है mechanical part है, आप इसको upgrade कर सकते हैं. With electronics, it's something very very limited. So you think कि inshallah in the future we'll be able to do a lot more compared to now? Yes. ठीक ठीक. So about Koenigsegg Agera. जी. It recently beat Bugatti Chiron. Yes. What do you have to say about that? It was a very 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 big achievement क्योंकि Bugatti का 0 to 400 to 0 was 44 seconds. Koenigsegg beat that by 6 seconds. Yes. That's a very very. अरे भी recently Bugatti Chiron ने अपना बनाया था. Recently बनाया था बिल्कुल. तो आपका क्या say है? मेरे ख्याल में इट्स ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी व्हेन इट कम्स टू कार्स लाइक दैट. उसमें मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक बोथ कंबाइंड. राइट राइट. With the, all of that, they can achieve all of these things. When it comes to doing different things in performance parts in your company, have you considered about the 3D application to custom design kits? Yes, we have. But problem is that the 3D softwares, maybe they're not very common here. Because any regular customer, unko itni zyada knowledge nahi hoti. ठीक. For any customer to use a 3D application for his car, the customer has to know what 3D application is. Right. Otherwise, he would be reluctant to use that application for his car. Budget ka issue bhi aa jayega. Budget ka major issue aayega, bilkul. Theek, theek. Okay. So, पाकिस्तान में एक बहुत वो एक साइकोलॉजिकली एक चीज़ होती है कि जी आपके साइलेंसर में से ज़्यादा आवाज़ आ रही हो तो जी गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पोर्टी बन जाती है. बिल्कुल. What do you have to say about that? कि ज़्यादा आवाज़ हो या do you think कि मतलब ख़त्म भी की जा सकती है या मतलब उसका कितना ज़्यादा आवाज़ का देखें. फॉर एनी नॉर्मल कार, सिविक, क्रोला, जो बच्चे सिर्फ एग्जॉस्ट लगाते हैं, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस टू द परफॉर्मेंस. ठीक. सिर्फ आवाज़ ज़्यादा होने की वजह से यू फील यूर गोइंग फास्टर बट यूर नॉट. यूर नॉट. आप जिस स्पीड पे पहले होते अभी भी आप उसी स्पीड पे जा रहे हो. एक्सेप्ट व्हेन यू इंपोर्ट अ प्रॉपर कैटबैक एग्जॉस्ट जो कंप्लीट पूरे सिस्टम को चेंज करता है, दैट डज मेक अ डिफरेंस. सही सही. तो साउंड ऑफ द साइलेंसर उसका कितना? साउंड वुड वेरी फ्रॉम एनी कार टू कार. जो मोस्टली जो नॉर्मल गाड़ी में डलता है वो सिर्फ आवाज को ज्यादा करता है. उसका ऐसा फायदा कोई नहीं होता, सिर्फ शोर ही होता है, टू बी ऑनेस्ट. जो प्रॉपर हाई एंड गाड़ियां होती हैं, जो ट्यून होते हैं, उनमें इट इज एक्चुअली बेनिफिशियल और वहां पे कई दफा जरूरी होता है कि इसका एग्जॉस्ट सिस्टम बड़ा हो ताकि गाड़ी प्रॉपरली ब्रीथ कर सके. राइट राइट राइट. ओके. सो व्हाट डू यू एग्री के पावर ज्यादा होनी चाहिए गाड़ी में या फिर लाइट वेट ज्यादा हो? इट शुड बी बैलेंस. अगर आपकी गाड़ी में बहुत ज्यादा पावर है और वेट है ही नहीं, यू विल नॉट गो एनीवेयर, वहीं के वहीं खड़े रहोगे. ठीक ठीक. और अगर आपकी गाड़ी बहुत ज्यादा हैवी है और तब भी उसमें पावर नहीं है तो स्टिल आप यू विल बी वेरी स्लो. ट्रू ट्रू. इट हैज टू बी अ बैलेंस्ड कार के जितनी आपके पास पावर है, इवन चाहे वो ज्यादा चाहे वो, अगर उसको प्रॉपरली ग्राउंड कर लेंगे देन योर कार कैन बी फास्ट. राइट राइट. ठीक है. तो व्हिच ड्राइव ट्रेन सेट अप इन द बेस्ट फ्रंट, rear and four wheel and all wheel? It would be more of a personal preference. Har bande ka usage farak hota hai. For me it would be all wheel drive kyunki all wheel drive mein aapke paas traction bahut achhi hoti hai, aap gaadi ko launch bahut acche tarike se kar lete hain. For a rear wheel drive ya front wheel drive aapke paas thoda bahut wheel spin aata hi aata hai. Sahi sahi. Theek hai theek hai.
How can you make cars safer when it comes to upgrading the performance? Cars mein basically ek to brakes upgrade saath honi chahiye unke. If you are upgrading the engine, if you're doing any modifications with it, aapki suspension should be stable taki aap high speeds pe agar ja rahe hain to aap brake wheel lagaye to gaadi sway na kare left ya right. True. And other than that, for anti collision gaadi mein jo proper jo race cars hoti hain unme saaro mein strut bars lagte hain aur roll cages lagte hain. So roll cages prevent any driver from getting harmed if the car flips over. Right. Theek. What do you have to say about speed or handling? Agar ek cheez choose karni ho aapko. Handling. Handling, why? Yes. Because you are always in control. You are in control. Theek hai. Acha, paint hum sabko bahut pasand hota hai. Theek hai. Lekin hum paint ke bare mein baat karenge right after a short break. Back and we were talking about the paint job of a car. So, please tell us that paints to sabko pasand hai, wo to ladkiyon ko bhi bahut fascinate karta hai, ladkon ko bhi karta hai. So, Pakistan mein abhi, I don't think us level ki paint jobs ho rahi hai, jis tarah se Pakistan mein paint jobs ho rahi hai, lekin to a very limited level. There are very limited customers jo ke proper koi custom paint karwana cha rahe hain jo ke factory nahi deti hai, wo kehte hain hamari gaadi ka paint is tarah ka hona chahiye. Sahi. So usually log bahut sare stickers bhi use karte hain, bahut sari different cheeze use karte hain. So do you think ke would you want to introduce this in Pakistan, ke matlab aap proper paint job kare jisna videos mein hum log dekh rahe hote hain? That is so interesting. Proper paint jobs already ek se do jagah hain jo ke yahan pe bahut high level ka paint job kar rahi hain. But problem is ke for a normal common man the paint cost is too much. Matlab wo log sirf wahi karwate hain who know what they are willing to buy. Right. Theek hai. Ab hum ek aapke saath rapid fire round karna chah rahe hain. I am going to say a few taglines and you need to guess the name of the brand. Theek hai. So let's start. Okay, only those who dare truly live. Ferrari. Okay, good. You have point one. Okay, grace, space, and pace. Lamborghini? No. Another guess. Maserati? No. Jaguar. Yes. Okay, the pursuit of perfection. The pursuit. Again, Ferrari? No. Nahin. Lexus. Okay, there is no substitute. Mercedes, Benz. No. A Volkswagen? No, Porsche. Porsche. Okay, power, beauty, and soul. Mercedes, Benz. No. Oh, I'm blank on this one. Okay, Aston Martin? Aston Martin, yes. Yes, okay. Yes. The ultimate driving block? BMW? No. The ultimate driving machine, BMW. No? No. Mercedes-Benz. Mercedes-Benz, yes, okay. This is Mercedes-Benz. Theek hai, aapke kuch number hue hain, kuch thode se kam hai. Lekin, okay, let's come to our questions now. Right. Aap mujhe bataein ki hum log handling ke bare mein baat kar rahe the gaadi ki. Jee. To mujhe bataein ki what role do tires have to play when it comes tires to... have a major role in the handling. The tires always need to be good for a car to handle good. Any given performance car would have top of the line tires in any given country. Ferrari, Lamborghini, they all come with the best tires. Yes. Theek. So, mujhe aap ye bataye, what is the fastest car in Pakistan right now? That's a hard question. Yes. Fastest car in Pakistan. I would say a Toyota Supra. Ek Toyota Supra yahan pe hai, which is about 800 to 900 HP tuned. That should be the fastest car. Is it one of your customers?
One of my friends. Okay, okay, great, great. Okay, मुझे आप ये बताएं कि रेसिंग के बारे में भी हमने बात की थी, the tracks. मोटर कार रेसिंग की क्या क्या स्कोप है पाकिस्तान में? अगर तो लीगल तरीके से किया जाए तो देर इज अ लॉट ऑफ स्कोप, अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ पे लोगों को चीज़ें खरीद लेते हैं, गाड़ी में लगा लेते हैं, लेकिन उनके पास जगह कोई नहीं है उसको प्रॉपर टेस्ट करने के लिए. तो अगर एक प्रॉपर ट्रैक बन जाए विद टेक्स अ मिनिमल फीस और इवन अफोर्डेबल फीस फॉर एनीबॉडी, तो मेंबरशिप हो सकती है, इट कैन बी अ गुड बिजनेस एंड इट शुड ब्रिंग अ वेरी पॉजिटिव चेंज. यस, यू आर राइट. लेट्स कम टू योर बिजनेस नाउ, परफॉर्मेंस पार्ट्स. मुझे आप ये बताएं, जब आपने ये स्टार्ट किया तो उस वक्त तो लोकल वेंडर्स बहुत सारे थे, मैकेनिक्स थे, और यूजुअली मतलब मेरा अपना जो भाई है वो भी इसी तरह करता था कि मैकेनिक के पास जाना और कुछ कुछ चीज़ें लगवा लेना. ठीक है, तो आप मुझे बताएं उस टाइम पे कितना आपका कंपटीशन था व्हेन यू डिसाइडेड टू डू दिस? जब हमने शुरू किया था उस वक्त तो कंपटीशन काफ़ी था, क्योंकि वी वर वेरी न्यू एंड वी वर वेरी स्मॉल. तो फॉर एग्जाम्पल वी स्टार्टेड ऑफ विद प्लग्स, प्लग्स की शॉप्स पे, हर शॉप पे अवेलेबल होते हैं. वी हैड टू मेक श्योर कि जो कस्टमर आ रहा है ही शुड नो कि हमारे से ही क्यों उस बंदे ने चीज लेनी है. राइट, तो वी हैड टू डिफरेंशिएट आवरसेल्फ फ्रॉम द अदर शॉप्स एंड अदर सप्लायर्स. सो डिड यू हायर मैकेनिक्स और उस तरह से आपने अपनी टीम एक बिल्ड की? नहीं, हमने बेसिकली पार्ट से जब शुरू किया था तो हम लोग रेफर करते थे कि वी डिडंट हैव एनीबॉडी ऑफ आवर ओन. ठीक, लेकिन हम लोग हमेशा आगे रेफर करते थे, अच्छा यार आपने ये चीज हमारे लिए यहाँ से जाके फिट हो जाएगी है. अच्छा अच्छा, राइट राइट. सो आप मतलब कितना करते थे व्हेन यू स्टार्टेड दिस? तो आप भी करते थे गाड़ियों में चीजें लगाना? ऑफ कोर्स गाड़ियों का क्योंकि शौक था, शौक से ही बिजनेस में शुरू किया था. छोटी मोटी चीजें लाते थे, खुद ही लगाते थे, जो खुद नहीं समझ आती थी फिर मैकेनिक्स को बुलाते थे, उनके पास लेके जाते थे, लगवाते थे उनसे. वाओ, तो आप कोई होमवर्क करते थे अपना, मतलब ऑनलाइन रिसर्च कि इस तरह होना बिल्कुल चाहिए? रिसर्च करते थे कि अगर हम ये चीज ले रहे हैं हमें क्या बेनिफिट है, क्या डिसएडवांटेज है हमें इस चीज का, तो वो थोड़ा देख के थोड़ा समझ के उसको फिर कोशिश करते थे. राइट, तो शुरू में तो आप लोकली अपनी चीजें जमा कर रहे होंगे या परफॉर्मेंस पार्ट्स की? बिल्कुल. ठीक, तो आपने इम्पोर्ट्स बेसिकली कब स्टार्ट की? इम्पोर्ट्स मैंने शुरू की थी तकरीबन 3 से 4 साल पहले. ठीक ठीक, बिल्कुल, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट्स थे ACCA में एंड हम लोग थोड़ा मतलब बड़े हो रहे थे, हम लोग चीज़ ढूंढते थे, मिलती नहीं थी. सही सही. तो इट केम टू माई माइंड के वाई शुड आई नॉट स्टार्ट इम्पोर्टिंग पार्ट्स. ट्रू ट्रू. सो जो आपका सारा कैपिटल था, आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट थी जी, तो वो आपकी अपनी थी या आपने कोई? इनिशियल तो माई मदर हेल्प मी अ लॉट, उसके बाद सारा खुद ही री इन्वेस्ट करके ग्रो. अच्छा अच्छा, वंडरफुल. तो आपके जो पहले कस्टमर्स थे, वर दैट वर दे योर फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स? बेसिकली सम वर फ्रेंड्स एंड सम वर पीपल वी जस्ट न्यू. एंड हमारा कम्युनिटी में उठना बैठना काफ़ी था. पार्क व्हील्स वॉज अ मेजर रोल बैक देन, स्टिल इज. तो मेम्बर्स थे, लोगों से डिस्कशन होती थी उनसे, तो वहाँ से पीपल यूज टू कम टू मी टू बाइंग स्टफ. राइट, सो व्हेन इट केम टू प्रमोटिंग, मतलब फ्रेंड्स तो चलो करा लेते हैं कभी कभी, उसके बाद जब आपको अपने कस्टमर बेस आपने बढ़ानी है तो आपने फिर क्या किया बेसिकली? फेसबुक पेजेस बनाए? बिल्कुल, फेसबुक पेज बनाया, वहाँ पे इंस्टाग्राम पेज बनाया, वहाँ पे पेड प्रमोशंस वगैरह शुरू की. ठीक, उससे कस्टमर का हमारा जो क्लाइंटल थी वो काफी काफी ज्यादा एक्सपैंड हुई. आपकी एक कोई ऑफिशियल वेबसाइट भी है आपकी? मेरा ऑफिशियल पेज है विच इज facebook.com/pparts.l which is performance parts lahore. okay, p parts l l yes. okay okay, great. तो मुझे आप ये बताएं कि जब आपने जब शुरू किया था ये, तो आपके कॉम्पिटिटर्स तो आपने कहा थे उस वक्त, तो डू यू थिंक कि अब ज्यादा हैं या तब ज्यादा थे? उस वक्त कॉम्पिटिटर्स कम थे क्योंकि लोगों को नोहाव कम थी, कस्टमर्स भी थोड़े लिमिटेड थे. अब लोगों को नोहाव भी ज्यादा है, तो देयर आर मोर पीपल हु आर कमिंग टुवर्ड्स द बिजनेस. राइट, जो खोल के कोशिश कर रहे हैं करने की, कस्टमर्स केटर करने की, तो अभी कॉम्पिटिशन इज डेफिनेटली मोर. राइट राइट, तो आप मुझे ये बताएं कि आपके फ्यूचर गोल्स क्या है? Where do you see yourself in 5 years or 10 years? A future goal is to be the most reliable and the biggest supplier in Pakistan. Wow, inshallah, inshallah. You will succeed. ठीक है, तो मुझे आप बताएं कोई एक टिप जो बहुत सारे कार लवर्स होते हैं, बट कोई एक ऐसी टिप जो कि लोगों को नहीं पता होता, एंड यू वुड वॉन्ट टू गिव देम कि भाई आप जब कराना चाह रहे हैं एनहांस अपनी कार को, तो आप यू शुड एटलीस्ट थिंक अबाउट दिस टिप, व्हिच टिप वुड दैट बी? आई थिंक कोई भी बंदा अपनी जो गाड़ी को कुछ भी कराना चाह रहा है, एनी गिवन पार्ट, आई थिंक उनको पहले खुद रिसर्च करनी चाहिए कि वो पार्ट उनको क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, उनके फायदे का है, यानी दैट वे दे वुड सेव अ लॉट ऑफ देयर मनी मे बी, अ लॉट ऑफ देयर टाइम, और दे वुड गेट नॉलेज के
इस पार्ट का एक्चुअली फायदा क्या है। ठीक ठीक, तो कोई एक ऐसा पार्ट जो आप उनको मतलब टिप देंगे नहीं ये आप लोग जरूर लगवाएं या फिर ये कोई पहली चीज है जो आपको जरूर लगवानी चाहिए? फॉर एनी गिवन प्रोजेक्ट कार मेरे ख्याल में ब्रेक्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोई भी बंदा कोई भी प्रोजेक्ट करना शुरू हो कोई इंजन सॉल्व करने का सबसे पहली जो चीज उनको करनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग दैट शुड बी द ब्रेक्स। ब्रेक्स शुड बी 110% रिलायबल। राइट राइट, और कोई आपकी ऐसी टिप कि जी आपकी एक्स वाई जेड कार होना जरूरी है तो फिर इतना उसका मतलब हो सकता है अपग्रेड, या फिर आप यू वुड से कि जी किसी कार मेरे ख्याल में फॉर एनी गिवन कार इफ द बॉडी इज इन परफेक्ट कंडीशन देयर इज नो रस्ट द बॉडी इज इंटैक्ट एनीथिंग कैन बी डन टू अ वेरी लिमिटेड लेवल थिंकिंग के इट शुड बी इन अ वे कि द कार शुड रिमेन रिलायबल। ठीक ठीक, और कोई मिनिमम बजट जो आपके कस्टमर्स को पता हो कि जी मिनिमम बजट इतना है? मेरे ख्याल में कोई इंजन स्वॉप कर लें या अगर इंजन स्वॉप के लिए जाते हैं तो आई थिंक अदर देन द इंजन द मिनिमम बजट दे शुड हैव इन माइंड शुड बी अराउंड 100-150,000 रुपीस वेरी इजीली फॉर अ प्रॉपर प्रोजेक्ट। ओके ओके ग्रेट, टाइम फॉर अस टू गो एंड सी हाउ यू अपग्रेड अ कार, लेट्स कम एंड सी योर पैकेज। डन, ठीक है, यू कैन कम ओवर एंड आई विल शो यू द पार्ट्स दैट वी गेट द पार्ट्स दैट वी पुट इन जो प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं कौन सा प्रोजेक्ट किस तरह का हो रहा है किसकी क्या कस्टमर रिक्वायरमेंट है वी कैन शो ऑल ऑफ दैट। ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हमें बहुत मजा आया एंड आई होप हमारे ऑडियंस को भी उतना ही अच्छा लगा होगा लुकिंग एट द प्रोसेस एंड लर्निंग अबाउट न्यू थिंग्स। वी वुड वांट टू विश यू द बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो अगेन। यू आर वेलकम। एज फॉर द ऑडियंस प्लीज अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा थ्रू योर कमेंट्स योर लाइक्स एंड योर ईमेल्स। इंशाल्लाह वी विल बी रीडिंग अ फ्यू ईमेल्स इन आवर नेक्स्ट शो एज वेल। Take care, Allah Hafiz.